अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे अगला साल आप लोगों का बहुत खुशियों भरा और आपके दिल की तमाम तमन्नाएं अल्लाह ताला पूरी करें, आमीन। अच्छा जी, तो आज हम घर की दोबारा बात करें। न्यू ईयर्स की पार्टी तो आप लोग जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन घर को हम आज भी इग्नोर नहीं करेंगे। थ्री रूल्स जो अभी हम फॉलो करेंगे वो ये हैं कि आपने न्यू ईयर से पहले आपने तीन काम ज़रूर करने हैं। डीक्लटर करना है अपनी कबर्ड्स को, डीक्लटर करना है आपने अगर किचन में आपकी कोई अनवांटेड चीज़ें पड़ी हैं उनको, सारी मेडिसिंस की और अपने मेकअप के सामान की आप एक्सपायरी डेट्स चेक कर लें, और ये कुछ काम है जो आज आप कर लें। ऑर्गेनाइज जो चीज़ें आपकी होने वाली हैं वो खुद ब खुद हो जाएंगी जब आप डीक्लटरिंग कर लेंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर। मैंने पाउडर फॉर्म, इसके इंग्रेडिएंट्स अभी मैं आपको बताऊंगी। ये इम्यूनिटी आपकी अच्छी करेगा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया है, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ओरिजिनली तो आपको दूध के अंदर डाल के इसको पीना है, लेकिन मैं पानी में डाल के पीती हूँ, और अगर किसी और को भी कोई वेट का इशू है तो वो भी आराम से इसको पानी में डाल के पी सकता है। तो इसकी भी रेसिपी लें आगे जाके और ज़रूर बना लें सर्दियों में, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। हेल्दी चीज़ है, ट्राई करें। जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। ये बहुत बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, ये आपकी बोन्स के लिए, विटामिन डी, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सर्दियों में इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका बेहतर करता है, ज़रूर बना लें। और हेल्दी चीज़ें, देसी चीज़ें हैं, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं इसका। इसमें आपने शवारे, चने, फूल मखाने, बादाम सब इक्वल क्वांटिटी में लेना है और ब्लेंडर में भून के आपने ब्लेंड कर लेना है। भूनना इसलिए ज़रूरी है इनको क्योंकि इससे आपकी शेल्फ लाइफ चीज़ों की बढ़ जाती है। और इसमें फिर आपने 2 चम्मच सूंड के डाल देने और थोड़ी सी मिश्री, जितनी आपको पसंद हो उतनी आपने मिश्री भी ब्लेंडर में ब्लेंड करके इन्हीं चीज़ों के साथ इसमें मिक्स कर देनी है।